क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 माइनस 5 2, देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 14 आई, हैंस ऑप्टेंड ए क्यूब। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको। पहले आपको ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 14 आई ये निकालना है, तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3 माइनस 4 माइनस 5 2 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 5 2, फिर माइनस 5 है मतलब माइनस 5 इंटू ए है आपका 3 और माइनस 14 आई मतलब माइनस 14, अब ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 ऐसा हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी। अब इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपको ये मिल जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 20 माइनस 5 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 15 ये माइनस 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 15 माइनस 25 माइनस 20 10 और ये माइनस 14, ये चीज़ आपको मिल गई। अब इन सबको आपने ऐड किया तो 29 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 25 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस माइनस 0 माइनस 20, ये चीज़ आपको मिल रही है। अब आप देख लीजिए 29 माइनस 29 हो रहा है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, ये सबका सब 0 मिल गया आपको। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 14 आई इज इक्वल्स टू 0। सो ए स्क्वायर 0 0 मैट्रिक्स। अब इसके हेल्प से आपको फाइंड करना है ए क्यूब, तो नाउ फॉर ए क्यूब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट, तो ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू 0, तो आपको ये तो 0 मैट्रिक्स ही मिलेगी यहाँ पर, और आपका ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 14 ए आई। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड गया तो 5 ए स्क्वायर माइनस 14, अब ए आई ए इंटू आई ए ही होगा तो प्लस 14 ए। अब ए स्क्वायर ये आप ऊपर निकाल चुके थे, डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये था आपका ए स्क्वायर पूरा 29 माइनस 25 माइनस 20 24, फिर प्लस 14 ए 3 माइनस 4 माइनस 5 2, तो आपको ये कितना मिल जाएगा 29 5 जा 145, ये माइनस 125, तो ये आपका हो गया 187 माइनस 195 माइनस 156 और 148, ये है आपका ए क्यूब, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इफ 3 ए सी बी डी इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 6 2 डी प्लस 4 सी प्लस डी ए प्लस बी 3। इजी क्वेश्चन है ये, आपको डायरेक्टली वैल्यूज इक्वेट करनी है मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए आपका एल एच एस क्या है, 3 इंटू ए बी सी डी, तो ये आपका हो गया 3A, 3B, 3C और 3D। उसी तरह से RHS आपका था, इसको आपने प्लस किया तो ये हो जाएगा A प्लस 4, A प्लस B प्लस 6, C प्लस D माइनस 1 और 2D प्लस 3। अब सारे एलिमेंट्स को आप इक्वेट कर लीजिए। ऑन इक्वेटिंग वी हैव 3A इज इक्वल्स टू ए प्लस 4, मतलब 2A इज इक्वल्स टू 4, दिस गिव्स A इज इक्वल्स टू 2, A आपका डायरेक्टली आ गया। फिर 3B इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 6,
दूसरे एलिमेंट को करा तो ए की वैल्यू को मालूम है 2 है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3b, या इस b को इधर ले आइए आप, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6, तो 2b इज इक्वल्स टू 8, दिस गिव्स b इज इक्वल्स टू 4। अब आप इसको ले लीजिए d वाले एलिमेंट को, नाउ 3d इज इक्वल्स टू 2d प्लस 3, तो d इज इक्वल्स टू 3। अब एट लास्ट 3c इज इक्वल्स टू c प्लस d माइनस 1 एंड 3c इज इक्वल्स टू c प्लस d माइनस 1, तो ये हो गया 2c इज इक्वल्स टू, इसको पुट कर दिया 3 माइनस 1, दिस गिव्स 2c इज इक्वल्स टू 2, तो c इज इक्वल्स टू 1। ये आपके सारे एलिमेंट्स आ गए। सो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट 2 1 -3 -1 0 4 इनटू ए इज इक्वल्स टू -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 15। ठीक है, ए फाइंड कर लेते हैं हम। आपको यहाँ पर दिया है 2 1 3 -1 0 4। अब आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आपको ए का ऑर्डर क्या लेना होगा, 2 × 3। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर रो 3 है। अब अगर आप मैट्रिक्स ऐसी लेते हैं जिसके अंदर कॉलम 3 आ रहे हैं और रो 2 आ रही है, तो आपको 3 × 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। ऐसा हम पहले कर भी चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ए को मैं कैसा लूँगा, 2 रो और 3 कॉलम वाला। तो ए बी सी डी ई एफ, ए को ऐसा ले सकता हूँ मैं, ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेट ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर मस्ट बी 2 × 3। अब ये आपका इज इक्वल्स टू आ रहा है -1। अब इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपको ये मिल जाएगा 2a माइनस डी 2b माइनस ई 2c माइनस एफ। ये a प्लस 0 मतलब a, b सी 3a प्लस 4d 3b प्लस 4e 3c प्लस 4f। 3 × 3 की मैट्रिक्स आपको मिल गई इज इक्वल्स टू वापस से पूरा। अब इक्वेट करने पर ऑन इक्वेटिंग ये आपको मिल जाएगा, पहले आप ए बी सी इन तीनों को कर लीजिए। तो ए इज इक्वल्स टू 1, ए जो है वो इस एलिमेंट से मैच कर रहा है बी -2 से, बी इज इक्वल्स टू -2, उसी तरह सी -5 से, सी इज इक्वल्स टू -5। अब 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू -1 सबसे पहला एलिमेंट, क्योंकि आपको ये पता है, अब आप d निकाल सकते हैं। तो आपका d कितना हो गया, 2a प्लस 1, तो 2 × 1, तो 2 + 1 मतलब 3। आपने a की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दी। उसी तरह से 2b माइनस ई इज इक्वल्स टू -8, दिस इम्प्लाइज 2b + 8 इज इक्वल्स टू ई, बी है आपका -2, तो 2 × -2 + 8 इज इक्वल्स टू ई, मतलब ई आपका हो गया 4। उसी तरह 2c - f इज इक्वल्स टू -10, दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू 2c + 10, तो 2 × -5 + 10 मतलब -10 + 10, तो f आपका हो गया 0। ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो गई, तो मैट्रिक्स ए ए बी सी डी ई एफ
इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज पुट करी आपने, तो 1 माइनस 2 माइनस 5 3 4 0, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, इफ a इज इक्वल्स टू 1421, फाइंड ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1421 इंटू 1421, तो इसको आपने सॉल्व किया तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, और यहाँ पर 4 इंटू 1 1 इंटू 1, तो ये आपको मिल गया 9 आपका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i, ऐसा आप लिख दीजिएगा नाउ, तो ये हो गया 9849 प्लस 2 इंटू 1421। अब क्योंकि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 ही रहेगी। अब इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपको ये मिल गया 9 प्लस 2 प्लस 7, उसी तरह 4 प्लस 4 2 2 जा 4 प्लस 7 इंटू 0 0, ये चीज़ आपको बराबर मिल रही है। अभी आपका हो गया 9 प्लस 9 18, ये 8, ये 16 और 18, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, इफ a इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड a इनवर्स इज इक्वल्स टू a डैश, a ट्रांसपोज मतलब, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है और ट्रिकी है। यहाँ पर इन्होंने आपको दे रखा है गिवन a इनवर्स इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज a डैश, इस चीज़ का आपको यूज़ करना है। आप क्या कीजिए, दोनों साइड a मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा a इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू a इंटू a डैश। अब a इंटू a इनवर्स क्या होगा आपका, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू a इंटू a डैश। आपको a पता है तो आप a डैश निकाल सकते हैं, इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो नाउ दिस इम्प्लाइज a डैश इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा इधर आ गया, और ये साइन अल्फा नीचे, और ये कॉस अल्फा, ये चीज़ आपको मिल गई। अब इसका यूज़ कर लीजिए, क्योंकि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स थी तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन यहाँ पर आ गया, प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसी तरह से ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ आपको मिल गई। अब 1001 इसके इक्वल है, तो ये तो दोनों ज़ीरो आ रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपने जब इसको इक्वेट किया तो आपको ये क्या मिला, ऑन इक्वेटिंग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसा जब होता है तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि थीटा अल्फा फाई जो भी आप कह लें वो सेम होना चाहिए दोनों जगह, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। आपने देखा ही है, साइन स्क्वायर 44 आपने कभी करा है
प्लस कॉस स्क्वायर 44 करा है तो भी आपको 1 मिला है। आपने साइन स्क्वायर 122 करा है, कॉस स्क्वायर 122 करा है तो भी 1 मिला है। ले देखे अल्फ़ा की वैल्यू सेम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी सकती है। तो क्लियरली अल्फ़ा कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, इफ द मैट्रिक्स 0, 2, c ए बी 1, 3, -1, 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ठीक है, जब भी आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो इस केस में आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स क्या है, हियर ए इज इक्वल्स टू 0, 2, c। अब सिंस ए इज स्क्यू देयरफॉर ए डैश, मतलब ए डैश आपका हो गया 0, 2, c ए बी 1, 3, -1, 0 रोज और कॉलम स्विच हो गए इज इक्वल्स टू नेगेटिव, सब में माइनस हो गया तो 0, -a, -3, -2, -b, -1, -c, -1, 0 ऐसा आपको मिल गया। अब इनको आप कंपेयर कर लीजिए, तो ऑन कंपेयरिंग 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए, दिस गिव्स a इज इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू -3, अब b इज इक्वल्स टू -b, तो ये हो गया b प्लस b इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 2b इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि b इज इक्वल्स टू 0, तो आपकी a b c की वैल्यू आ गई। सो a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -3, ये आपका आंसर है।